से मेरा हाथ खींचा और कुछ हड्डी बैठा दी, पता नहीं कैसे दी। स्टिफनेस होगी और तुम उससे कहो कि जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो करे, तो इलाज भी बच्चों वाला करो। सुनो, उनके प्यार के कारण नहीं हुआ है जो कि दर्द कम है। उन्होंने मुझे धोखा दिया, झटके से मेरा हाथ खींचा और कुछ हड्डी बैठा दी, पता नहीं कैसे देसी नुस्खा उन्होंने अपनाया है, बट इट वर्क समहाउ एंड मुझे मेरा दर्द काफ़ी कम हुआ उसके कारण। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्यार से वो डॉक्टर बन गए आपके लिए, क्या कहने दिया, प्यार आ रहा है? प्यार पता नहीं, प्यार इज़ अ वियर्ड वर्ड बिटवीन अस। हम लोग जो हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारे बीच में जब प्यार जैसे वर्ड्स आते तो थोड़ा सा अजीब लग जाता है। मतलब उन्होंने मुझे इनफैक्ट आई लव यू भी बोला है और यही धोखा उन्होंने मुझे दिया। एंड जब वो आई लव यू बोला तो मतलब कुछ ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये क्या बोल दिया। बट बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहला रहा था, फुसला रहा था ताकि तुम्हारा हाथ खींच सकूँ, तो देन आई वाज लाइक ओके, हाँ नाउ ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ ह्यूमन। मतलब ये चीज़ आप लोगों के बीच नॉर्मल है? हाँ, लड़ाई झगड़ा, तानेबाजी, रमन और रिश्ता के बीच में बहुत नॉर्मल चीज़ है। ईशिता तो डॉक्टर है, ईशिता डेंटिस्ट है, पढ़ाई तो सारी की सारी की होती है डेंटिस्ट ने, तो मैं प्रॉपर इलाज करती, मैं धोखा नहीं देती, चुपचाप बैठालती मैक्सिमम, क्या अगर नहीं बैठते तो एक इंजेक्शन का मैं उन्हें धमकी देती, उन्हें एक इंजेक्शन की धमकी देती तो चुपचाप बैठ जाते हो।